हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, इस समय घड़ी में 10:30 बज रहे हैं। तो हमारा इंटरव्यू, हम आपको अगले वीडियो में बताए थे कि हम इंटरव्यू देकर आ चुके हैं, जैसे भी रिजल्ट होगा हम आपको बताएंगे। तो गाइस, रिजल्ट यह है और कहने में बड़ा दुख हमको हो रहा है कि हम इंटरव्यू नहीं क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो गाइस, अब हमको यहाँ से मतलब बिहार से अब घर जाना होगा। बिहार में जो बेतिया है, जो बताए थे वीडियो में, अब हमको यहाँ से घर जाना होगा। और यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा पूरा सामान रखे थे, ये वाला सब चीज़, अब हम जा रहे हैं रखने के लिए। तो गाइस, ये यहाँ पे देखिए बैग है हमारा, इसी बैग में यहाँ पे देखिए हमारा कपड़ा टंगा हुआ है। तो यहाँ से अब पूरा मतलब ले करके बढ़िया से चपत के अब हमको यहाँ पे इस बैग में रख देना है। जो जो भी है वहाँ पे, कापी किताब जो भी है, थाली माली यहाँ पे है, अब सब रखेंगे। आज हमको 4 बजे से निकलना है। नहीं सर, हमको बड़ा ही दुख हो रहा है, लग रहा है कि इंटरव्यू नहीं हम क्वालिफाई कर पाए। हेलो गाइस, हम इस समय छत पर हैं, आप लोग अच्छी तरह देख रहे हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमको लग रहा है कि मौसम फिर से ख़राब हो रहा है। वहाँ पे देखिए हमको लगता है उधर बारिश भी हो रही है, आप देख सकते हैं व्यू में। और फ्रेंड्स, हम तो आपसे कह ही चुके हैं कि हमारा इंटरव्यू तो हो गया था लेकिन हुआ नहीं है, चयनित नहीं हुए हैं इसमें। तो अब हम चलेंगे घर पे, तो वहाँ पे हम पूरी सामान रख चुके हैं, थोड़ा मोड़ा बाकी है तो उसको रखेंगे। रखने के बाद अब सीधे निकल चलेंगे घर पे। थोड़ा सा बैक कमरा करके आपको दिखाते हैं, वहाँ पे देखिए। एक बात है, बहुत अच्छा पीछे का व्यू दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए, यहीं पे घूम रहे थे तो एक लोगों से मिलवाते हैं। देखिए, क्या नाम है भैया आपका? संकेत कुमार। हाँ, इनका नाम संकेत कुमार और इनके पापा बीएड डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। इनके पिताजी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं इसी बीएड कॉलेज के, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन के। और आप क्या करने आए हैं यहाँ पे? हम तो यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए थे जी। पढ़ाई करने आए थे और टीचिंग करने के लिए। हाँ, और शायद तबीयत खराब है। हाँ, और थोड़ा वो ऑपरेशन का भी वो मामला था। हाँ, ऑपरेशन का मामला था और इनका ऑपरेशन भी हो चुका है, पथरी का था। तो अब ठीक ठाक हैं, कोई प्रकार की इनको दिक्कत नहीं है। तो और बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम अयोध्या जिला के रहने वाले। ओ अयोध्या, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं श्री राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था और वहाँ पे राम मंदिर भी बन के तैयार हो गया है। नहीं, अभी बन रहा है, अभी तैयार नहीं हुआ है। अच्छा, वहाँ पे जाने देते हैं कि नहीं? अगर जिसे कोई जाने नहीं देते हैं, किसी को जाने नहीं देते। अच्छा, वहाँ पे किसी को नहीं जाने देते। चलिए, अच्छा, कोई बात नहीं। तो हम भी सोचते हैं कि अगर अयोध्या आए तो आपसे वहाँ मिलें। हाँ, मिलें और साथ में श्री राम का मंदिर देखने चले। हाँ, मिल सकते हैं। चलिए जी, और बताइए अपने बारे में कुछ। और सब पढ़ाई, मतलब एजुकेशन कितना है आपका? हमारा एजुकेशन तो बीएड है। हाँ, और एमए है। हाँ, किस सब्जेक्ट से एमए है? एमए इंग्लिश है। हाँ, कहने का मतलब कि इंग्लिश एमए और बीएड है। तो ये भी अपने गांव में इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे और पढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होने के कारण यहाँ पे आ गए पापा के पास अपने। तो अब फिलहाल ऑपरेशन हो गया, अब ठीक ठाक हैं।
तो और कुछ बताइए दोस्त। और सब और कौन कौन रहता है साथ में आपके? क्या हम रहते हैं, हमारे पापा रहते हैं और हमारा एक छोटा भाई रहता है। अच्छा अच्छा, चलिए आपका तो वीडियो हम बना ही रहे हैं। अगर यह वीडियो अगर अयोध्या तक चली जाए या आपके घर परिवार का अगर देखेंगे तो क्या चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे कि नहीं? सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और क्योंकि अपना ही है तो करेंगे जरूर। हाँ सही कह रहे हैं, हम भी जौनपुर के रहने वाले हैं तो हमको लगता है 2-3-4 घंटा लगेगा अयोध्या पहुँचने में, जैसे भी होगा। ठीक है, अब चले चले। तो गाइस ये ब्लॉग कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और वीडियो में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, वंदे मातरम।